with the biggest stars of Pakistan. Atif Aslam, Humayun Saeed, Mahira Khan. Saturday, 28th July. Tickets available at Ticketmaster. You know, Nazan, तेरे जैसा ना कोई है, नहीं हो सकता है. You don't forget that. Mama. Here you are. Good morning. Good morning. Mashallah, mashallah. Mera beta to bahut pyara lag raha hai. Thank you. Kahan jaane ki taiyari hai? Wo Mohsin uncle ko airport drop karna hai. Lekin wo to apne driver ke saath khud jayenge beta. Nahi, wo ab mere saath ja rahe hain. Unhone mujhse kaha tha, isliye keh rahi hu tumse. Par ab maine keh diya na, isliye main ja raha hu. Acha chalo, achhi baat hai. सुनो, मेरी तरफ से दोनों बच्चियों को बहुत प्यार देना और कहना मैं एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगी. वल सबूई को आपके बहुत प्यार की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, पर मिद्दत को मैं आपका बहुत सारा प्यार दे दूंगी. क्या मतलब, उसे जरूरत क्यों नहीं मेरे प्यार की? क्यों के छोड़ें, आप नहीं समझेंगे. अब मैं चलता हूँ, नहीं तो अंकल लेट हो जाएंगे. एक मिनट. क्या हुआ? तुम्हारे बाल ठीक कर. You know, I don't like anybody touching my hair. I'll fix them. You take care of yourself. Let's see you. Bye. Bye. जरा ध्यान से आ, क्यों बेध्यानी में पीछे आ रही हो, वो किसी के साथ टक्कर भी हो सकती है. तुम इतनी खामोशी से आके खड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला. नहीं, वो तुम इतना बिजी थी ना, मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं तो अच्छा है. और ये शाकार दिख रहा था मैं तो. वो मधु से हो रही है ना, बाबा के जाने में बहुत टाइम है तो मैंने सोचा मैं ये बना लूं. तब पर तो ये बन गया है, तो हम चलते हैं बाहर. अब सब थोड़ा पेंट सूख गया शायद. Let me get a tissue. Mm-hmm.
चले? हाँ मधु, मिथत उठो उठो, अभी तक सो रही हो क्या? है सुबह क्यों तंग कर रही हो सुबह सुबह? तुम्हें कुछ होश भी है कि बाबा जान जा रहे हैं और ये खिड़की और पंखा बंद करके सोता कौन है? यार वो सर्दी हो गई थी ना रात में, इसलिए दिसंबर में तो सर्दियां पड़ती नहीं है, अभी कहां से सर्दी आ गई? क्या है ये? जैन भाई की आवाज है ना? हाँ यार, ये शख्स क्यों आ गया इतनी सुबह सुबह? मिद्दत, फजूल बातें मत किया करो, अब जल्दी कर लो वरना पापा निकल जाएंगे अगर देर हो गई तो। तुम जाओ मैं आती हूँ, जल्दी आना। हाँ हाँ ना, फजूल बातें मत करो। बाबा जान। हाँ, थैंक यू। तुम्हारी अम्मी के जाने से तुम पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। जिम्मेदारियों से मैं नहीं भागती पापा जान, बस अम्मी के जाने का दुख खत्म नहीं होता। अगर जाने वालों को रोका जा सकता, कोई भी अपने प्यारों को जाने नहीं देता। तुम्हारी अम्मी इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाई थी बेटा। पापा जान, सॉरी मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि फ्लाइट मिस ना हो जाए। तुम क्यों आ गए? मैं ड्राइवर के साथ चला जाता। वेल, ड्राइवर के साथ जाने में आपको उतना मजा कभी नहीं आएगा जितना मेरे साथ आएगा। And I'm also sure कि आप हिचहाइकर से बहुत बेहतर गाड़ी चला लेता हूँ। देख, ऑफिस ही जाओगे आज? चचा जान, आप भूल रहे हैं कि आज संडे है। अब इन बातों में भी फ्लाइट निकल सकती है वैसे। ओ, अरे मिद्दत कहाँ है? उसे पता भी है कि मुझे जाना है। बाबा जान आती होगी, नमाज पढ़ के वो सो गई थी। सॉरी सब हुई की बच्ची है ना, इसने मुझे देर से उठाया। वैसे अब काफी बड़ी हो गई है, जरूरी नहीं है हर छोटी छोटी बातें ख्याल से भूल रखे। अलार्म लगा कर आप खुद भी उठ सकती थी। देखें, आप मेरे मामले में नहीं बोला करें। अच्छा बाबा जान, बहुत देर हो रही है, चलें? हाँ चलें भी, चलें चलें, कहें सामान कहें। हाँ वो मैं ले आऊंगा, आप आइए। अच्छा आओ। हाँ आ जाए, हम लोग बातें करते हुए। चलो छोड़ने साथ जाओगी? आप घर में अकेले जाएगी ना? चलिए सर, अच्छा सा नाश्ता बना के रखना। हम नाश्ता साथ में करेंगे। क्या बात है, बाबा जान के इस्लामाबाद जाने की बड़ी खुशी है तुम्हें, बड़ा तमाम क्या हुआ है? बाबा जान के जाने की खुशी नहीं, बल्कि जैन नाश्ता करने के लिए आ रहा है इसलिए। क्यों, बाबा जान को छोड़ के घर चला जाए, वापस आने की क्या जरूरत है? वो तो कितनी बुरी बात है, नाश्ता करने आ रहा है क्या, मैं मना कर दूँ आपके अम्मा का मेरे पास? तुम क्यों मना करोगी, तुमने पहले कभी किसी बात के लिए मना किया है उसे? अच्छा, पहले मैंने कभी तुम्हें मना किया है किसी बात के लिए? खबरदार खबरदार, जो तुमने उस जैन के बच्चे का मुझसे मुकाबला किया तो मैं तुम्हारी सगी, इकलौती और खूबसूरत बहन। अच्छा, बहुत शुक्रिया याद दिलाने का।
हाय, नाश्ता बन गया? जी तैयार। अरे वाह, मधु नाश्ता भूख नहीं है मुझे। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करने आ रहा हूं, किसी और को रुकने की जरूरत नहीं है। रुक जाती तो क्या हर्ज था? कोई हर्ज नहीं था, कबाब में हड्डी। और वैसे ऑनेस्टली जिस तरह तुम्हारी इस बहन को मैं कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता, उतना ही ना पसंद लगता है मुझे भी करती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बाबा जान, आज गए ना तो बस अपसेट है थोड़ी। राइट, कबाब अच्छा है, तुम नहीं खा रही तो मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? मेरे जाने के बाद अपनी बहन के साथ करोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही नाश्ता करूंगी, लेकिन अगर वो भी कर ली थी तो इसमें हर्ज ही क्या था? हर्ज था, कबाब अच्छे हैं, इनमें हड्डी ना ही हो तो वही बेहतर है। किसी भी और चीज की जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। नाजिम है ना, मैं सिर्फ उसको बोल दूंगी। अरे नाजिम नाजिम बहुत करते हो यार, जब मैं कह रहा हूँ मुझे कह देना तो मुझे कह देना। मुझे ठीक है तो मैं कॉल कर दूंगी। चलो राइट, चलता हूँ। हाँ। से कुछ कहना था कहे बगैर ही, मैं तो सबूत। हम क्या हुआ तुम शादी करोगे मुझसे? मुस्कुरा क्या रही हो, जवाब तो दो। पसंद तो करती हो ना मुझे? हाँ बहुत। तो विल यू मैरी मी? बंद कर लो आवाज। बाय we'll be right back.
enjoy ₹500 off on your first order from Hum Mart app. Download the app and order now. Hum Mart, kare life aasan. अगर वो मुझे नाश्ते के लिए बुलाता भी ना तब भी नहीं करती मैं उसके साथ नाश्ता। मधु, वो इतना तो ख्याल रखता है हमारा। अब देखो, बाबा जान को छोड़ने के लिए वो खुद आ गया, जबकि हमारे पास नाजिम है, वो फिर भी आ गया। ये तो बहुत छोटी सी बात है सोभी। क्या तुम एक ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जिसकी पर्सनैलिटी में सिर्फ मैं है? और ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मधु, तुम उसके बारे में बिल्कुल गलत सोचती हो। तुमने देखा नहीं, तायमी और तायबू का भी तो इतना ख्याल रखता है, इतना तो अच्छा है वो। देखो सूबी, कुछ लोगों के ख्यालात माँ बाप और घर वालों के लिए कुछ और होते हैं और बीवी और महबूबा के लिए कुछ और है। ओ मधु प्लीज, जब से तुम साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हो ना, तुमने हम सबको अपना टारगेट बना के रख दिया है, हमारे पीछे पड़ गए हो। ओके, तो इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? तुमने सुना नहीं, सारे फैसले ऊपर होते हैं। ऊपर वाले ने अकल भी तो दी है, तो क्यों ना उसे इस्तेमाल किया जाए। मधु, अब हम बड़े हो गए हैं, पहले की बात और थी, अब सहन ना बहुत बदल गया है। सब वही, तुम अच्छी हो ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब अच्छे हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मूवी देखी? हेलो, जैन, तुमने मुझे बताया नहीं वहां क्या हुआ? मैंने आपको क्या बताना था? यही कि मोहसिन खैरियत से चले गए, सुबूही और मिद्दत कैसी हैं? वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और वो खैरियत से चले गए। मुझे ना दोनों बहुत उदास हो गई होंगी ना। वैसे सुबूही मुझे बहुत प्यारी लगती है, जान है वो मेरी। आराम से जरा, औलाद मैं हूँ आपकी तो मुझे ही जान बनाए प्लीज। अच्छा, मैं तो बात कह रही थी तुमसे सिर्फ। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। अच्छा, क्या बताना है? मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या वाकई जैन, मेरा बेटा? क्या क्या सही सही कह रहे हो ना मुझसे? तुमने लड़की देख ली है या मैं देखूं? सोच रहा हूँ कि ये जो आपकी जान है, मैं उसे अपनी जान बना लेता। क्या? और तुमने ये बात मुझसे अभी तक छुपा कर रखी और मेरे पूछने पर मुझे बता रहे हो जैन? मैं बस सही मौके का वेट कर रहा था, मिला तो बता दिया। अच्छा ठीक है, फिर बस जल्दी से मोहसिन वापस आ जाए तो मैं सुबूही के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर जाऊँ। काम डाउन, काम डाउन। मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपको कब जाना है, ओके? ये क्या बात हुई जैन, एक दो दिन में तो हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। हाँ तो वहां से वापस भी तो आओगे? मैं बहुत खुश हूँ जैन, सुबूही मुझे बहुत प्यारी लगती है, तुमने मुझसे छुपाई ये बात। अरे आप बस इस बात पे खुश हो जाएं, कैसा होगा। हर ख्वाब बुझा दिया तूने, इश्क बढ़ा दिया, जिन आँखों को हंसना दूर अंधेरे।
तुम्हें किसके फोन का इंतजार है? किसी के नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें वाकई किसी के फोन का इंतजार है? किसका? Let me guess, जैन भाई का। जिसको तेरी आदत है। मैं आती हूँ वरना तुम डिस्टर्ब हो जाओगी ना। एक मिनट। हाँ जैन। हाय, सो गई थी क्या? नहीं, जाग रही थी। ओह, तो मेरे फोन का इंतजार कर रही थी ना। ये खुशफहमी तुम्हें क्यों हो रही है? सुबह ये खुशफहमी नहीं है, यकीन है मेरा। यकीन डूब भी जाया करते हैं। क्यों बदगुमान कर रही हो? बदगुमान नहीं कर रही, मैं बस हकीकत बता रही हूँ। तो मतलब नहीं कर रही थी मेरे फोन का इंतजार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है, जब से तुमने मुझे ये बताया है कि तुम चाहती हो मुझे, मैं तो जैसे होश में ही नहीं हूं। तुमसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया पा ली मैंने। और अगर मैं कहूं कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है तो? तो फिर तो मैं खुशी से मर ही जाऊंगा। सुनो जैन, ये बार बार मरने की बातें नहीं किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी, पर फिर मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ। सुनो, इतना प्यार देना चाहता हूँ कि तुम पूरी दुनिया भूल जाओ। बस कुछ याद रहे तो बस सिर्फ मैं। सुबह कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ। यहाँ तो नहीं थी। खैर, अच्छा फिर कहाँ थी मैं? वही जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई हुआ नहीं करता। जैन, ये ऐसी बातें मत करो। क्यों? तुमने कभी उस घर के ख्वाब नहीं देखे जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो? नहीं तो, मैं तो नहीं देखती। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों में रहना अच्छा लगता है। और जैन, जब से अम्मी का इंतकाल हुआ ना, मुझे रिश्तों की वैल्यू पता चल गई है। मुझे ये अंदाजा हो गया कि रिश्ते हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। अच्छा, पर सब वो एक बार तुम मेरी हो गई ना, और बस मेरा नाम सुनाई देगा तुम्हें। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे यार, मैं कब से रोमांटिक हो रहा हूँ? और तुम हो के बहुत ही अनरोमांटिक इंसान है तुम, बाय द वे। अच्छा, मैं फोन रख रही, बहुत देर हो गई है। अभी कहाँ मैं, अभी तो बस एक लम्हा ही गुजरा है। अच्छा बस, अल्लाह हाफिज। इश्क दी बारिश प्यास बुझा, अरे भाई क्या पहेलियां बुझवा रही है, जो कहना है खुल के कहो। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको सुबुही कैसी लगती है? सुबुही? हाँ, अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ तो फिर? तुम्हारे जाने से क्या होगा, ये बात तुम पहले अपने बेटे से पूछो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बात मुझसे जैन ने ही की है तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ये बात खुद उसने कही है? हाँ, कल रात ही मुझसे ये बात की है उसने। अच्छा भाई, उसे अपने अलावा कोई और भी पसंद आ सकता है, ये तो कमाल की बात है ना। मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती आपको। तो फिर कब चले मोहसिन भाई के घर?
अरे इतनी जल्दी क्या है, उन्हें वापस तो आने दें। वैसे भी जैन ने कहा है कि वो ये बात खुद बताएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए आजकल साहबजादे ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, मोहसिन भाई की गैर मौजूदगी में यही तो ख्याल रख रहा है हम लोगों का। आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं करती चली जाऊंगी। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियाँ रोमांस पढ़ती हैं। शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। तुम थोड़ी नहीं, काफी डिफरेंट। पता चला? हाय गर्ल्स, क्या हो रहा है? आप मूवी देख रहे थे। आ गए खुद परस्त। एक्चुअली आज ना मैंने मिदल को यूनिवर्सिटी से ऑफ करवा दिया था, तो हमने कुछ नई डिशेस भी ट्राई की। अरे वाह यार, इतना ही एंजॉय कर रहे थे तो एक फोन मुझे भी कर देते, मैं भी आ जाता, हेल्प भी कर देता और थोड़ा एंजॉय भी कर लेता। सॉरी हम भूल गए थे ना, क्या आपको तो हमेशा बहाना चाहिए आने का। अब दरअसल जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है ना, थोड़ी हसास हो गई है, बस चाहती कि हर वक्त मैं इसके पास ही रहूं। वैसे मिद्दत, तुमने कभी ये सोचा है कि सुबुई की शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? पूरी जिंदगी तो सुबुई तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। अकेली क्यों रहेगी सारी जिंदगी? इसके लिए भी मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए लड़का ढूंढने की, तुम्हारी पसंद पे एतबार नहीं है मुझे, देख चुकी हूँ तुम्हारी पसंद। चलो तुम कोई अपनी पसंद से ही देख लेना, हम तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे। और आपको बोलना भी नहीं चाहिए, मैं सब वही की तरह ना समझनी हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी। माशाल्लाह भाई, बहन तुम्हारी प्रॉपर बदतमीज हो गई। जैन वो वाकई ना समझ है, उसे नहीं समझ आता वो क्या कह रही है। कुछ भी बोले यार, कुछ भी बोले, बस इसको ये समझा दो कि कभी हमारे मामले में ना बोले। तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है इसे, वरना इतनी बदतमीजी करने के बारे में मुझसे कोई सोच नहीं सकता। अच्छा ठीक है, समझा दूंगी। हम बाहर लॉन में चले, वहां बैठे। चलो सबुई। तुम मिद्दत से बहुत प्यार करती हो। हाँ मेरी एक ही तो बहन है। या तो तुम उससे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। ये कैसे सवाल है जान? मैं बस जानना चाहता अपनी अहमियत। सही, तुम दो मोहब्बतों को आपस में मिला के रहे। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता अपनी अहमियत। जैन, हमारा दिल इतना छोटा नहीं होता कि एक वक्त में उसमें दो मोहब्बतें ना समा सके। हम क्या किसी एक से मोहब्बत करने के लिए बाकी मोहब्बतें उठा के बाहर फेंक देते हैं? नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की जो नापसंदीदगी है मेरी तरफ, ये अगर कभी तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के बीच में आ गई तो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसे कभी ना पसंद नहीं कर सकती। अच्छा है, हो ऐसा ही हो, क्योंकि होना भी ऐसा ही चाहिए। I'll see you.
with the biggest stars of Pakistan. Kubra Khan, Nikal Zulfikar, Harim Farooq, Ahad Raza Mir, Hania Amir. Saturday, 28th July. Tickets available at Ticketmaster. बेटा क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं बाबा जान, बस वो आप नहीं थे तो थोड़ी टेंशन हो गई थी, लेकिन अब आप आ गए ना तो अब सब सही हो जाएगा। तो बेटा मैं तो सिर्फ दो दिन के लिए गया था। परेशानियों का इंतखाब अगर हम खुद करें तो कोई क्या कर सकता है। बाबा वो जैन आया था सुबह और वो कह रहा था कि मोहित भाई और पप्पू आ रहे हैं तो हमें उनके आने से पहले पहुंचना होगा, तो वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए। मैंने कैसा से कहा था कि जब तक उसका घर सेट नहीं हो जाता तो हमारे घर आके रह ले। लेकिन कामरान भाई की कॉल आ गई कि हमारा घर बड़ा भी है और खाली भी है, आजकल जैन अकेला रह रहा है वहां पर। जाने दीजिए बाबा जान, पता नहीं यूएस में रह के पुप्पो जान और मोहित भाई का मिजाज कैसे हो गए हो। नहीं बेटा, कैसरा बहुत अच्छे मिजाज की खातून है और यकीनन उसने अपने बेटे की तबीयत भी अच्छी की हो। अच्छा सुने, मैं नहीं जाऊंगी, जब वो लोग आएंगे ना मैं उनसे मिल लूंगी। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी पुप्पो को बुरा लगेगा, इतने सालों के बाद आ रही है, वो क्या सोचेगी। पापा जान यूनिवर्सिटी से आके इतना थक जाती हूँ कि कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती। मिद्धत, तुम यूनिवर्सिटी से आकर थोड़ा रेस्ट कर लेना, हम थोड़ा देर से चले जाएंगे। नहीं बेटा, मेरे ख्याल में हमें जल्दी जाना चाहिए। नहला भाभी और कामरान भाई नहीं है तो जाके इंतजाम वगैरह देखने चाहिए। मुझे तकरीबन तैयार हो गया। फिर आपने सलाद बना लिया था? नहीं मैं भी बनाती थी। जल्दी बना लीजिएगा और चिकन मैंने मैरिनेट कर दी थी वो भी देख लीजिएगा। इनको प्लेट्स में डाल दीजिएगा, मैं टमाटर काट रही हूँ। ले लीजिए। वाह क्या सीन है। सच बताऊं तो हमेशा से अपनी आंखों के सामने यही मंजर देखना चाहता था। साजिदा आंटी, वो ये जो हमारी नई मासी है ना, जरा उस पर नजर रखिए, देखिए ड्राइंग रूम सही से साफ होना चाहिए, उसके काम से ना सैटिस्फाई नहीं। मैं अभी देखिए। जी प्लीज। जैन, देख तो लिया करो साथ में कौन खड़ा है, देख के बात किया करो ना। क्या करूं मैं, तुम्हें देखते ही ना सोचने समझने की सारी सलाहियतें खो बैठता। अब तुम यहां खड़े रहोगे तो मुझसे कोई काम नहीं होगा, प्लीज तुम जाओ। अरे मैं कुछ कह तो नहीं रहा, मैं तो तंग भी नहीं कर रहा, मतलब तुम अपना काम करो, सब्जी काटो, चिकन बनाओ, सब कुछ करो आराम से। इस तरह देखते रहोगे ना तो एक डिश में नमक तेज हो जाएगा और एक में मिर्ची। क्यों? मेरी नजरों से इतना घबराती हो तुम? क्या हुआ मिद्धत, आओ। बाबा आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं फ्लाइट का टाइम हो गया। बोलो उनको कि मैं आ रहा हूं। इसकी तो बचपन से ही टाइमिंग सुपर्ब है।
हैं, लेकिन उसके सामने ख्याल रखा करो। समझती होगी कि हम दोनों अकेले रहने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अरे पर वो दिखी कहाँ मुझे? वही तुम्हारा तो हमेशा से यही है, उसे कुछ बुरा लग गया तो बस उसकी फिक्र है तुम्हें, पर इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मुझे। सहन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसी ही बात है। सहन, सहन। भाई मैं तो हैरान रह गई तीनों बच्चों को देख के, माशाल्लाह ये तो इतने बड़े हो गए, तस्वीरों में तो ये छोटे छोटे लगते। तो कैसा इस मर्तबा आए भी कितने अरसे के बाद हो तुम। ये तो है। आपस की बात है मामू, जब हम गए थे तब ये मिदे तो सिर्फ इतनी सी थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बुढ़ापे में गए थे। भाई ये था मेरे ख्याल से कोई 5 साल का। और उसका मतलब है हमारी उम्र में कुछ खास फर्क नहीं है। So I can call you Mohit then. Yeah, yeah, bro. Sure. भाई सुबूही, मुस्लिम मुझे बता रहे थे बेटा कि आज तुमने सारा खाना बनाया। जी। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ में भी वही जायका है जो नाइमा के हाथ में था। वो भी इसी तरह खाना तैयार करती थी और बहुत लजीज होता था। वैसे मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, पता है? काफी जायका आपके हाथ में माशाल्लाह से। वहाँ अमेरिका में तो हम ऐसे खाने के लिए बिल्कुल तरस जाते हैं यार। You're an amazing cook, माशाल्लाह। सही कह रहा है वैसे। ये बात तो बिल्कुल सही कही मोहित ने। वैसे अब खाना हो गया तो अगर एक हाथ कप कॉफी भी हो जाए तो मैं लेकर आती हूँ। बल्कि एक काम करती है ना, आप वैसे ही सुबह से काम कर रही हो, थकी होगी, तो मैं और आप चलते हैं, दोनों साथ कॉफी बना लेते हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे नहीं भाई, सही कह रहा है, जाने दो इसको अपने साथ, तुम सारा दिन थक गई होगी। जाओ मोहित, साथ हेल्प करो। Trust me, I make very good coffee. चले। Mera din ishq, imaan ishq, mera jaan।